दीपक जी, आज वार्ड 36 में कोरोना टेस्ट एवं वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया त्रखा कॉलोनी में जी, विस्तार से बताएं क्या कार्यक्रम रहेगा आज। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ वार्ड नंबर 36 त्रखा कॉलोनी बालाजी मंदिर में आज लगभग 700 वैक्सीन का यहाँ पे आयोजन किया गया। अब देखोगे लोग कितनी तादाद में आज यहाँ आए हैं। और जो कैंप का आयोजन है हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जन कल्याण हमारा जो ट्रस्ट है यहाँ पे, उसके माध्यम से सारे जो है हमारे सभी बुजुर्ग भगवान सिंह जी, सुरेंद्र जी, ओंकार सिंह जी सभी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके तत्वाधान में आज यहाँ कैंप लगाया जा रहा है और सारी कॉलोनी के त्रखा कॉलोनी और आसपास के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि लोग ही हैं जी, लोगों के लिए कैंप लगाया गया है और लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमारे मंत्री जी के बड़े भाई दीपन शर्मा जी यहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले। कुछ लोगों की शिकायत है कि 10 बजे का टाइम दिया गया लेकिन 10:45 लगभग होने को आए लेकिन अभी तक डॉक्टर को आता पता नहीं। ऐसा है, मौसम खराब होने के कारण थोड़ा डिले हो गया है, बाकी टीम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जा चुका है और 700 वैक्सीन आज यहाँ पे लगाई गई। फौजदार साहब, आज कोरोना वैक्सीनेशन एवं कोरोना टेस्ट का कैंप लगाया जा रहा है त्रखा कॉलोनी बल्लभगढ़ में, किस संस्था के द्वारा लगाया गया और कौन मुख्य अतिथि रहेंगे यहाँ पर? मैं सुरेंद्र फौजदार, प्रधान जन कल्याण समिति त्रखा कॉलोनी बल्लभगढ़। आज का कैंप वैक्सीन एवं कोरोना टेस्ट का, त्रखा कॉलोनी के जो गरीब तबके के हैं, जो छुट्टी नहीं कर पाते, उनके लिए वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है। वैक्सीन एवं कोरोना टेस्ट दोनों ही है। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई, भाजपा वरिष्ठ नेता टिप्पण चंद शर्मा जी व दीपक यादव और डॉक्टर अपने मान सिंह जी, एम्स के इंचार्ज, वो रहेंगे। कितने वैक्सीन लगेंगे आज? कम से कम 600 वैक्सीन है तो लगेंगी ही। और कोरोना टेस्ट कितने हो जाएंगे लगभग? कम से कम 500 टेस्ट तो कराएंगे। चलिए, कोई जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे उतने टेस्ट होंगे और उतनी वैक्सीन होंगी। कोई अपील करना चाहेंगे आप? और अपील यही है कि अगर 600 से, अगर अपील यही है कि अगर 600 वैक्सीने कम पड़ती हैं तो हम सरकार से यही अपील करेंगे, या तो दूसरे तरह बढ़ाया जाए कल के लिए कैंप, और नहीं तो बाकी वैक्सीन मंगाई जाए, कम पड़ेगी वैक्सीन चाहिए।